हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेी प्लस मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लास्ट वीडियोस में हमने जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था साथ ही साथ हमने डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी देख लिया था आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से और किन किन पॉइंट पर एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में डिनोट किया जाता है ठीक तो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर यहां पर हमारे सामने है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अडक्ट एंड मटेरियल जो हमने प्रीवियसली इसको कवर कर लिया है ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को किन किन पॉइंट से शो किया जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में ठीक है और मैंने जब स्ट्रेंथ आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया हुआ है कि स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग केस में डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलते हैं अगर आप टेंसाइल लोडिंग कर रहे हैं और टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें अगर दैट इज वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस जो मटेरियल कैरी कर सकता है कॉल्ड टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कंप्रेशन के द मैक्सिम वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस अ मटेरियल कैन कैरी इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को मैं कैपिटल एस से डिनोट करता हूं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को लिखूंगा मैं एस यू टी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कंप्रेशन की बात है तो लिखूंगा एस यू सी यानी कि अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ओके नाउ थर्ड टाइप मैंने बताया था आपको दैट इज स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच ये हो जाती है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ठीक है स्ट्रेस की वैल्यू है जो स्ट्रेस अगर किसी भी कंपोनेट में इंड्यूस हो जाए तो वहां पर हिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है यील्डिंग क्या होती है यील्डिंग का मतलब होता है आप स्ट्रेस को वेरी नहीं कर रहे हैं स्ट्रेस की वैल्यू आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको प्रोमिनेंटली स्ट्रेन मिलता चला जा रहा है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे भी मटेरियल डिफॉर्म होते रहता है कंटिन्यूसली इस केस को बोलते हैं, हम बोलते हैं ठीक है नाउ नाउल स्ट्रेंथ को हम एस वाई इससे लिखेंगे अब यहां पर अगर लोडिंग टेंसाइल लोडिंग है तो उस केस में हम लिखेंगे एस वाई टी अगर कंप्रेसिव लोडिंग है और अंडर कंप्रेशन अगर, अगर यील्डिंग इनिशिएट हुई है तो वहां लिखेंगे एस वाई सी ओके नाउ मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है प्रीवियस की वीडियोस प्रीवियस वीडियोस में मैंने जब नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस के बारे में जब मैंने डिस्कशन किया है वहां मैंने बताया था कि अगर मैं किसी कंपोनेंट को लूं जो किसी लोड को कैरी कर रहा है जैसे कि यहां पर एक यूनी एक्जेल लोडिंग की इसकी बात करूं ठीक है तो यहां पर मैंने बताया था किसी भी प्लेन पे किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे विच इज इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री यहां पर आपको दो स्ट्रेसेस हमेशा मिलेंगे एक स्ट्रेस जो होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा एंड दैट विल बी नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस जो होगा वो हमेशा इस प्लेन के टेंजेंशियल या बोल सकते हैं उसके पैरेलल एक्ट करेगा दैट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस इस टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं ओके okay? तो कोई भी लोडिंग कंडीशन हो अगर मैं नंबर ऑफ प्लेन्स की बात करूं तो सारे जो उसके प्लेन्स होंगे उसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है और शियर स्ट्रेस भी होता है ठीक है कुछ प्लेन्स ऐसे होंगे जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस तो होगा लेकिन शियर स्ट्रेस नहीं होगा ठीक है तो अगर इन जनरल बात करूं तो किसी भी लोडिंग कंडीशन में अगर नंबर ऑफ प्लेन्स की बात करूं किसी बॉडी की तो उनमें नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है और शियर स्ट्रेस भी होता है ठीक है तो सेम वही चीज को यहां पर ध्यान रखते हुए हम डिस्कस करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में तो यील्ड स्ट्रेंथ जब किसी मटेरियल पे हम टेंसाइल लोडिंग लगा रहे हैं जैसे कि इस डायग्राम में मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूं या फिर आप कंप्रेशन लोड भी लगाओगे उस केस में यहाँ पर शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस दोनों जनरेट होंगे तो शेयर स्ट्रेस के कारण जब यील्डिंग होगी यानी कि यील्ड ड्यू टू शेयर स्ट्रेस उस केस में मटेरियल को हम फेल मान लेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि यील्ड पॉइंट के बाद ठीक है मटेरियल जो है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लग जाता है और मैंने बताया था कि एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए या फिर मैकेनिकल कंपोनेंट के लिए जो लोडिंग है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर की जाती है अगर मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है यानी कि परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है तो उस केस में उस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को या उस मैकेनिकल कंपोनेंट को हम फेल मान लेते हैं ठीक है so, सो यहां पर अब तीसरे टाइप का यील्ड स्ट्रेंथ भी होगा दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर दैट इज एस वाई एस ठीक है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एच एट विच है तो यहां पर तीन तरह की स्ट्रेंथ होती है अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ्स को हम यहां पर देखते हैं कि हमारा जो डायग्राम है दैट इज देंट डायग्राम फॉर डल मटीरियल इसमें कौन कौन से स्ट्रेंथ हमको दिखते हैं ठीक है तो हमने ये डायग्राम बनाया था यूटीएम में जिसमें हमने इस स्पेसिमैन को टेंसाइल लोड में प्रोजेक्ट किया था ठीक है तो सबसे ऊपर देखते ग्यारह जो पॉइंट आता था जो हमने डिस्कस किया स्ट्रेस डायग्राम में यहां पर हमको मिलता है अल्टीमेट स्ट्रेस क्योंकि ये टेंसाइल लोडिंग है वैल्यू है दैट इज दल्टीमेट टेंट्रेंथ ऑफ द मटीरियल ओके, सो दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ. नेक्स्ट अगर आपको यहां पर स्ट्रेंथ देखना है, तो यहां पर दो पॉइंट है एक होता है आपका अपर पॉइंट. नेक्स्ट होता है आपका लोअर पॉइंट point. दो पॉइंट यहां पर के लिए मिलते हैं एक पॉइंट वो है जहां पर यील्डिंग स्टार्ट हुई है एंड सेकेंड पॉइंट वो है जहां पर यील्डिंग एंड हुई है ठीक है तो यहां पर आपको यहां पर कंफ्यूजन होता है हमेशा कि अपर हिल पॉइंट को स्ट्रेंथ लिया जाए या फिर लोअर हिल पॉइंट को एज आ स्ट्रेंथ लिया जाए तो यहां पर हमेशा याद रखना है कि हम लेते हैं लोअर हिल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको एज आ स्ट्रेंथ लेते हैं कारण यह है दैट द लोअर पॉइंट लोअर पॉइंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन ये अगर इसके इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस की वैल्यू है तो यिल्डिंग यहां पर होती रहेगी सो so, यहां पर हम लोग हमेशा लोअर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम एज यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं ठीक है क्योंकि रीजन लिख लेते हैं यहां पर लोअर पॉइंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस टू मेंटेन यील्डिंग दैट्स वाई इसको हम एज अ स्ट्रेंथ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एस वाई टी क्योंकि अभी ये जो लोडिंग है वो टेंसाइल लोडिंग है ओके नाउ और शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ इसके लिए डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेलियर्स यूज किए जाते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर्स का मॉड्यूल हम पढ़ेंगे ठीक है अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मटेरियल है ठीक है वो मेजरली फेल होते हैं ड्यू टू शेयर ठीक है तो यहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है दैट डकटाइल मटेरियल्स डाइल मटेरियल्स आर वीक इन शेयर ये हमको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये शेयर में फेल कब होता है यहां ये शेयर में फेल तब होता है जब इंड्यूस शेयर स्ट्रेस इन एनी ऑब्लिक प्लेन जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं इंड्यूस शेयर स्ट्रेस जो है टाउ किसी भी ऑब्लिक प्लेन में अगर उस मटेरियल के यील्ड शीयर स्ट्रेंथ यानी कि एस वाई एस के बराबर हो जाएगा तो केस में वो मटेरियल फेल हो जाता है ये इन जनरल हम लोग लेकर के चलते हैं ठीक है तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि वेन टाउ दैट इज द इंड्यूसर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस वाई एस यानी कि शीयर स्ट्रेंथ उस केस में ये जो मटेरियल होगा डक्टाइल मटेरियल जो होगा वो फेल हो जाएगा ठीक है इनके बीच प्रॉपर रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर्स है हमारे पास जिसको हम जब थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग कवर कर लेंगे फिलहाल के लिए इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट डक्टाइल मटेरियल आर वीक इन शेयर ठीक है तो ये जो तीन पॉइंट है हमारे पास वो हमको मिल गया लोअर हिल पॉइंट अपर हिल पॉइंट एंड दी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नाउ देखते हैं हम टफनेस क्या होता है रेजिलियंस कहां पर शो करते हैं प्रूफ रेजिलियंस कहां पर शो करते हैं तो रेजिलियंस रेजिलियंस प्रूफ या टफनेस को इस डायग्राम में शो करने से पहले इस डायग्राम के बारे में कुछ कुछ और बेसिक सी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं ठीक है जैसे कि अगर मैं यहां पर कोई भी किसी भी जोन में आप देख सकते हैं मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं ठीक है यह जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इसकी थिकनेस में ले, ले लेता हूं डी एप्सिलॉन नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्ट्रेस है इस एलिमेंट में दैट इज सिग्मा ओके अस से यहां से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे दिस नाउ इस एलिमेंट का एरिया अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा डी एप्सिलॉन इंटू सिग्मा ठीक है डी एफ्सॉन इंटू सिग्मा सिग्मा इंटू डी इस एलिमेंट का एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट नाउ अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को एफ्सलॉन की देख सकते हैं आप यहां पर मिनिमम वैल्यू है इनिशियली यहां पर कोई भी स्ट्रेन नहीं था तो यहां पर आपका एफ्सिलॉन था जीरो ठीक है और यहां पर जो भी है वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग हमको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिलहाल नहीं मालूम है तो मैं लिख लेता हूं एफ्सलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पे हमारा जो कंपोनेंट है जो स्पेसिमेन है वो फ्रैक्चर हो जाता है ठीक है तो फ्रैक्चर के जस्ट बिफोर आपके वो इतना स्ट्रेन आपको मिल चुका था सो मैक्स तो अगर इस एलिमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बिटवीन जीरो टू एप्सिलॉन मैक्स सो आई विल गेट द एरिया अंडर द इंटायर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ डक्टाइल मटेरियल दिस इज फॉर अ डक्टाइल मटेरियल सिमिलर मैं वर्कआउट कर सकता हूं एक ब्रिटर मटेरियल के लिए भी ठीक है तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या शो करता है वो देख लेते हैं ठीक है ये जो लिमिट मैंने पुट करी है ये इनिशियल यानी कि जब नो लोड कंडीशन थी और ये वो कंडीशन है दैट इज एप्सलॉन मैक्स जब यहां पर फ्रैक्चर जस्ट होने वाला है जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर इतना हमारे पास स्ट्रेन था अब ये क्या शो करता है देखिए सिग्मा की जो वैल्यू है इसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो एप्सिलॉन है दैट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी अब मैं जानता हूं इसके पैरेलली मैं एक स्टेटमेंट देखता हूं कि एनर्जी जो होती है एनर्जी इसकी यूनिट होती है आपके पास न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन मीटर या फिर इसको लिख सकता हूं मैं जूल्स होती है ठीक है ये इसकी यूनिट होती है ना हो अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालू किसी कंपोनेंट का तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं वॉल्यूम से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब इसको सॉल्व करूं अगर मैं तो मुझे मिल रहा है यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मुझे यहां पर मिल रहा है तो ये यूनिट देखिए और ये यूनिट देखिए तो यहां से एक मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं दैट एरिया द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम के अंदर जो भी एरिया होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक के फिलहाल के लिए मैंने यहां पर जीरो से मैक्सिमम तक के लिया है, से इस तक लिया है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट तक के लिए मिल जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अब यहां पर एनर्जी जो है वो किस तरह की है इसको समझते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कुछ चीजें जो हमने कैरी की थी ड्यूरिंग दी टेंसाइल टेस्ट उसको एक बार रिकॉल करते हैं फर्स्ट ये था कि जो स्पेसिमेंट हमारे पास दैट इज डॉग बोन स्पेसिमेंट या जिसको मैं डबल शेप स्पेसिमेंट बोलता हूं इस डम्बल शेप स्पेसिमेन में जो लोड लगाया गया था पी ये जो पी है वो ग्रेजुअली अप्लाइड है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड था ये ठीक है और यहां पर जब मैं डायग्राम प्लॉट करूं अगर दैट इज लोड वर्सेज दी डिफॉर्मेशन डेल डेल एल इज दी डिफॉर्मेशन तो मुझे इस ग्रेजुअल लोड के लिए दिखेगा जब इनिशियली कोई भी लोड नहीं था यानी कि जब पी जीरो था उस केस में देर वॉज नो डिफॉर्मेशन यानी कि डेल एल वॉज ऑल्सो इक्वल टू जीरो फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पर लोड को बढ़ाते चला जा रहा हूँ तो वैसे वैसे लीनियरली डिफॉर्मेशन भी बढ़ता चला जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर लीनियर बिहेवियर मिल रहा है तो मेरा सेकंड एजम्पन ये था कि मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट लॉ को फॉलो कर रहा है ठीक है ये कब मिलेगा जब मटेरियल जो है आपका वो लॉ को फॉलो करता है ठीक है विद इन लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी सो मटेरियल फॉलोस हुक्स लॉ तब यहां पर हमको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा बिट्वीन अप्लाइड लोड एंड द डिफॉर्मेशन ठीक है सो ये क्या हो रहा है यहां पर इसको देखते हैं जब मैं लोड लगाते जा रहा हूं यानी कि एक तरीके का मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उस केस में मुझे यहां पर डिफॉर्मेशन मिलता चला जा रहा है तो बेसिकली मैं यहां ये यह कर रहा हूं कि मैं लोड लगा करके एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं इन दी कंपोनेंट तो यहां यह कहा जा सकता है कि हम मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं तो जो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं उस उस कंपोनेंट के ऊपर वो मैकेनिकल वर्क उसके डिफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है इट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से उठाकर अगर किसी एल्टीट्यूड में रख देंगे तो उसमें एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी

एनर्जी दैट इज एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर ड्यू टू वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन तो ये जो स्ट्रेनर्जी होती है इसको हम डिनोट करते हैं यू से इसकी यूनिट भी होगी आपकी जूल्स और आई कैन राइट न्यूटन मीटर ठीक है एंड यू जो होता है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि वर्क डन वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन जितना हम वर्क करते हैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसके बराबर होती है स्टेन एनर्जी की वैल्यू अब देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी फॉर यूनिएक्सियल एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्योंकि हमारा लोड जो अप्लाई किया जा रहा है इस स्पेसीमैन पे दैट इज ग्रेजुअली अप्लाइड अप्लाइड लोड हम लोग ग्रेजुअली अपलाइड लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी देख लेते हैं ठीक है सो so, यहां पर मैंने ड्रॉ किया है लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन डायग्राम ठीक है अब लोड क्योंकि ग्रेजुअली अप्लाइड है तो हमने डिस्कस कर लिया है जो इनिशियली जब लोड जीरो होगा उस केस में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा जैसे जैसे लोड की वैल्यू में कंपोन बढ़ाते जाऊंगा डिफॉर्मेशन लीनियरली बढ़ता जाएगा क्योंकि ये जो मटेरियल

देन यहां पर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं dx ठीक है यानी कि अब px लोड अप्लाई करने के बाद अगर मुझे dx डिफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया ऑफ थिकनेस dx सो so, dx डिफॉर्मेशन देने के लिए जो वर्क होगा दैट विल बी dw अंडर एक्शन ऑफ अ लोड px सो द वर्क डन करस्पोंडिंग टू डिफॉर्मेशन dx विल बी इक्वल टू px dx ओके okay? ये हो गया हमारे पास नाउ पी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं अगर मैं नाम दे o, A, B सी डी सो यहां पर दोनों जो ट्राइंगल हैं ओ ए बी एंड ओ सी डी दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। सो फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल ए सॉरी ट्रैंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी यहां से लिख सकता हूं मैं पी एक्स पी एक्स परपेंडिकुलर एंड एल दैट इज बेस तो यहां पर मिल जाएगा पी एक्स इक्वल टू पी इंटू एक्स अपॉन डेल एल दिस इज द लोड एक्टिंग एट द वैल्यू ऑफ एक्स डिफॉर्मेशन ठीक है अब मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं अब क्योंकि जो डिफॉर्मेशन है वो हो रहा है जीरो टू डेल एल तो मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन और सिंपली वी कैन राइट वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन सो दिस विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ओके इक्वल टू जो डी डीएक्स की लिमिट है ये है आपकी जीरो टू डेल एल डिफॉर्मेशन जीरो टू डेल एल तक जा रहा है ये हो जाएगा पी एक्स इंटू डी एक्स पी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ जीरो टू डेल एल पी एक्स आपका पी इंटू एक्स बाई डेल एल इंटू डी एक्स ओके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका पी अपॉन डेल एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट फ्रॉम जीरो टू डेल एल ओके तो जाएगा पी इंटू डेल एल स्क्वायर बाई टू डेल एल सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये मिल जाएगा हाफ पी इंटू डेल एल सो दिस विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन और हम जानते हैं कि जो टोटल वर्क डन होता है कंपोनेंट पे ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी इट इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी दैट इज कैपिटल यू सो स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल यू फॉर अ यूनि एक्सियल लोड विच इज अप्लाइड ग्रेजुअली इज इक्वल टू हाफ पी इन टू डेल एल ये आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए नाउ ये इसमें दो कंडीशन याद रखनी है हमको इनिशियली जैसे कि मैंने बताया है कि जो मटेरियल है ये मटेरियल फॉलो कर रहा है हुक्स लॉ को ठीक है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये आपको फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज किया जा सकता है जब वो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा हो तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटेरियल फॉलोस हुक्स लॉ अब क्योंकि ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये जो इक्वेशन है ये कब तक लगाया जा सकता है इसको भी देख लेते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ तब तक लगाया जा सकता है जब तक लोड विद इन लिमिट ऑफ परपोर्शनैलिटी है सो दिस इज वैलिड फॉर लोड और वी कैन से स्ट्रेस विद इन द लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी के बाद ये जो हमने इक्वेशन निकाला है स्ट्रेन एनर्जी के लिए दैट इज हाफ इंटू डेल एल ये वैलिड नहीं रहेगा तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट ठीक है सॉरी विद इन द लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी ओके और अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को इंटीग्रेट करूं अगर मुझे पता है कि किस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो उस केस में इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैं थ्रू आउट द लोडिंग दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो स्ट्रेन टू दी मैक्सिम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन मैं टोटल उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की पर यूनिट वॉल्यूम वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के एरिया की ठीक है और दूसरा हमने देखा है एक नया डायग्राम दैट इज लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम अब जैसे कि मैंने देखा कि जब मैं किसी भी लीनियर इलास्टिक मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जो हु को फॉलो करता है उसमें अगर मैं विद इन प्रपोर्शनैलिटी लिमिट लोडिंग करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके का लोड मिलता है ठीक है और मुझे उस केस में स्ट्रेन एनर्जी मिलती है हाफ पी इंटू डेल एल ठीक है जहां की जो P है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड डेल एल इज द करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन एंड दिस इज फॉर अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड तो so, यहां से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं और इस डायग्राम को देखूं तो डायग्राम में जो ये वाला एक्सिस है दैट इज डिफॉर्मेशन एक्सिस उसमें मुझे डिफॉर्मेशन की वैल्यू मिल रही है डेल एल और जो मुझे मैग्नीट्यूड मिला है लोड का दैट इज पी सो हाफ पी इंटू डेल क्योंकि देख सकता हूं डायग्राम एक ट्रैंगल है सो हाफ पी इंटू डेल क्या बता रहा है एरिया ऑफ दिस ट्रैंगल दैट इज द एरिया ऑफ लोड वर्स डिफॉर्मेशन डायग्राम सिमिलरली अभी हमने जो कुछ देर पहले इंटीग्रेशन परफॉर्म किया था टू कैलकुलेट दी वर्क डन ऑन दी स्ट्रेचिंग तो उस केस में भी हमने बेसिकली इसका एरिया ही कैलकुलेट किया था ओके okay? तो यहां से समझ आ रहा है दैट दंडर लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन डायग्राम इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी ठीक है एरिया एरिया ऑफ लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन डायग्राम इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी दैट इज इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर और जूल्स इसका यूनिट होगा ठीक है बट सेम में अगर एरिया निकालू सेम लोडिंग कंडीशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में सेम लोडिंग कंडीशन है अभी भी जो लोडिंग है वो विद इन इलास्टिक विद इन लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी है विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनालिटी अगर मैं अभी भी इसको लोड करा उस केस में अब जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया निकालता हूं तो उस केस में मुझे मिलेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है ये दोनों में दोनों डायग्राम के एरिया में ये मेजर डिफरेंस है तो यहां से समझ आता है कि लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम का जो एरिया है वो हमें एनर्जी बताता है जबकि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया है वो हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताता है ठीक है अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस एंड टफनेस के बारे में सो so, टफनेस की जो डेफिनेशन थी दैट वॉज the the maximum energy absorbed before fracture. so this is the point and this is the point before fracture. theek hai so energy absorbed just before the fracture ye jo hoga that will be toughness. अब यहाँ depend करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं. अगर आप load versus deformation diagram की बात करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा energy. अगर आप stress versus strain diagram की बात करेंगे तो वहाँ आ जाएगा energy per unit volume. ओके okay, तो अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेसिस्टेंट डायग्राम में अगर एरिया जस्ट बिफोर दी फ्रैक्चर या अप टू फ्रैक्चर बोल सकते हैं हम एरिया अप टू फ्रैक्चर निकालो ये पूरा एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये जो एरिया है दैट इज शोइंग दी एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम Okay, and this is up to fracture. That's why this is known as modulus of toughness. This area hai, this is known as modulus, modulus of toughness, modulus of toughness. So, remember that is modulus of toughness. Modulus of toughness is equal to area of स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर अप टू फ्रैक्चर और ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है ये पॉइंट इस डायग्राम के लिए वैलिड है और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए भी वैलिड है ठीक है ना अब मैं जब रेजिलियंस की बात करता हूं या प्रूफ रेजिलियंस की बात करता हूं तो वहां क्या किया जाएगा ठीक है तो यहां हम जानते हैं दो पॉइंट मिलते हैं एक पॉइंट मिलता है आपको यहां पर लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी फर्स्ट पॉइंट ए मिलता है आपको ए है आपका लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी इसके बाद मिलता है बी बी होता है आपका इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर देता है यानी कि बी पर ला करके अगर मैं मटेरियल को अनलोड कर दूं तो उसमें स्ट्रेन की वैल्यू जीरो हो जाएगी वो वापस अपने प्रीवियस स्टेट पे चला जाएगा सो so, यहां तक का मैं एरिया ले लेता हूं दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट ठीक है सो एनर्जी ये क्या शो कर रहा है ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है ओ से लेकर के बी तक ये जो एरिया है दैट इज शोइंग एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट अप टू इलास्टिक लिमिट तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इसको बोलते हैं मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस ठीक है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट इसके बजाय अगर मैं सेम चीज लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम में प्लॉट करूंगा तो वो मुझे क्या बताएगा वो जैसे कि मैंने बताया लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम आपको बताता है एनर्जी और स्ट्रेस डायग्राम बताता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो अगर सेम चीज मैं प्लॉट करूंगा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम में तो मुझे मिल जाएगा प्रूफ रेजिलियंस ठीक है अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूं आपको दिस इज लेटेस्ट लोड पी दिस इज डिफॉर्मेशन डायल एल नाव यहां मुझे कुछ मिल रहा है दिस पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल इस यहां तक का मैं अगर एरिया निकाल लू ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम दिस इज अ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम तो ये जो एरिया होगा दिस विल शो मी द प्रूफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है प्रूफ रेजिलियंस इज द एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी एब्सॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट ठीक है एंड वॉट इज रेजिलियंस अगर मैं रेजिलियंस शो करना चाहूं यहां पर तो क्या होगा रेजिलियंस की डेफिनेशन ये होती है दैट इज एनर्जी एब्जॉर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट यानी कि जस्ट बिफोर और बिफोर इलास्टिक लिमिट किसी भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक हम जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं या स्टोर करते हैं दैट इज द रेजिलियंस ओके सो ये है इलास्टिक लिमिट नाउ लेटर से कोई पॉइंट ये है यहां पर कोई भी आप इंटरमीडिएट पॉइंट ले लीजिए यहां पर लेटर से ये ए है लेटर से ये बी है बी इज एनी इंटरमीडिएट पॉइंट सो एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू बी यहां पर क्या शो कर रहा है दिस इज दर्जी एब्सॉर्ब विद इन द इलास्टिक लिमिट ठीक है एनर्जी एनर्जी एब्सॉर्ब विद इन इलास्टिक लिमिट तो ये जो पॉइंट होता है के केस में और के केस में बस ये डिफरेंस है कि में कि जब हम बात करते हैं तो किसी के बात करते है, जो की उसकी वैल्यू है, इलास्टिक है? तो इस केस में यहां तक का जो लोड यहां तक का जो एनर्जी मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी दैट विल बी एनर्जी इन द इलास्टिक लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू रेजिलियंस ठीक है सो so, हमको तीन चार चीज़ें यहां पर समझ आ गई पहला तो हमको मॉडल्स ऑफ टफनेस समझ आ गया मॉडल्स ऑफ टफनेस क्या होता है दैट इज दी एरिया ऑफ स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम अप टू फ्रैक्चर ओके नाउ सेम अगर मैं टफनेस बताना चाहूं तो टफनेस मैं बता सकूंगा कहां से लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम से क्योंकि टफनेस में किसकी बात करते हैं हम टफनेस से बात करते हैं हम एनर्जी की एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर तो अगर मैं फ्रैक्चर के पहले तक का एरिया निकाल लूं इन अ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम लोड वर्सिस डिफॉर्मेशन डायग्राम लेटेस से कुछ कुछ भी ऐसा रैंडम सा मुझे कर मिल रहा है दिस इज दी फ्रैक्चर पॉइंट इन दी लोड वर्सेज डिफॉर्मेशन डायग्राम तो यहां तक का जो एरिया होगा ये जो एरिया है दिस इज दर्जी एब्जॉर्ड अप टू फ्रैक्चर दिस इज दर्जी एब्जॉर्ड अप टू फ्रैक्चर and this area will represent toughness okay now exams mein kis tarah ke questions yahan se form hote hain isko ek bar discuss kar lete hain theek hai exams mein aapko wo question puchega that area under stress strain diagram up to fracture represents option में आपको majority of question में modulus of toughness नहीं मिलेगा आपको मिलेगा toughness तो उस case में किस चीज का ख्याल रखना है आपको यह समझना है कि modulus of टफनेस जो होता है दैट सिग्निफाइज टफनेस जितनी ज्यादा वैल्यू होगी मॉडल ऑफ टफनेस की मटेरियल उतना ही टफ होगा ठीक तो है तो अगर आपका मॉडल ऑफ टफनेस ज्यादा है तो टफनेस ज्यादा होगी मटेरियल की अगर मॉडल ऑफ टफनेस कम है तो टफनेस कम होगी मटेरियल की ओके तो सिंपल अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इन फॉर्म ऑफ टफनेस तो मैं यहां से बोल सकता हूं दैट दी एरिया अंडर स्ट्रेस डायग्राम अप टू फ्रैक्चर सिग्निफाइज टफनेस वो वो बताता है कि टफनेस उसका कितना ज्यादा है तो अगर ऑप्शन में अगर आपको मॉडल ऑफ टफनेस नहीं दिया है और बात कर रहे हैं क्वेश्चन में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की तो वहां पर आप लोग टफनेस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं ठीक है थीके? हमने प्रूफ रेजिलियंस देख लिया हमने मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस भी देख लिया अब यहां पर देखिए मैं जब स्ट्रेस ट्रेंड डायग्राम की बात कर रहा हूं तो मैंने बताया एनर्जी एब्सॉर्ड पर यूनिट वॉल्यूम वो शो करता है चाहे मैं किसी भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक का एरिया निकालू अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो एक छोटा पॉइंट यहां पर यह भी है दैट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये जो टर्म है इसको हम एनर्जी डेंसिटी या फिर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं ठीक है दिस इज नोन एज एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी एसी स्टैंड फॉर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ओके इस नाम से भी यहां पर जानते हैं तो आई होप आपको जो जो मैंने यहां पर चीजें बताई हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी तो आई होप हमने जो एनर्जी वाले टॉपिक डिस्कस किए हैं दैट इज टफनेस रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस वो आपको समझ आ गया होगा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो टफनेस रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस है इसमें जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं दैट इज स्ट्रेन एनर्जी ठीक है energy, और वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है अब देखते हैं बाकी की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दैट इज इलास्टिसिटी डक्टिलिटी ये सब हम लोग कैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि, कि किसी मटेरियल की ज्यादा है या नहीं ठीक है तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इलास्टिसिटी की ठीक है इलास्टिसिटी को कैसे पता करते हैं इलास्टिसिटी पता चलता है आपको यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी से यंग्स यंगल्स ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है दैट इज डिनोटेड बाय ई इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वी कैन राइट है

तो यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है यहां पर जब मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं और जब इस प्रपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो मुझे मिलता है स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू ई इन टू एप्सिलॉन ठीक है यानी कि यहां से लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ठीक है सो अगर यहां तक का स्ट्रेस अगर ये लीनियर बिहेवियर दे रहा है मटेरियल हुक्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है लीनियर इलास्टिक मटेरियल है यहां तक का स्ट्रेस जो है दैट इज सिग्मा और से करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है दैट इज एप्सिलॉन ठीक है एंड दिस पॉइंट इज ए ए हम जानते हैं ए है आपका लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी सो यहां पर जो इस लाइन का स्लोप है ठीक है दैट रिप्रेजेंट्स ई ठीक है ये स्लोप जितना स्टीप होगा उतना ही ज्यादा ये मटेरियल इलास्टिक होगा ठीक है तो इलास्टिसिटी को हमको किससे पता चलता है जो ये कर बन रहा है आपका विद इन दी लिमिट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी जो हमको कर मिल रहा है पर जो लाइन लाइन स्ट्रेट मिल रही है इस लाइन के स्लोप से हमको पता चलता है कि यंग्स मॉडल कितना है और यंग्स मॉडल्स की वैल्यू से पता चलता है कि मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है ठीक है नाउ साथ ही साथ ये जो हमको स्ट्रेन मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है उससे भी हमको पता चलता है कि मटेरियल कितना इलास्टिक है देन ए के बाद पॉइंट आता है आपका बी दैट इज लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट जिसको बोलते हैं बी जो है आपका बी इज इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट सो बी की जो वैल्यू है इसके जो स्ट्रेसेस स्ट्रेन है इससे पता चलेगा कि मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है यानी कि किस लिमिट तक के इलास्टिक है और उसकी इलास्टिसिटी की जो बिहेवियर है वो पता चलती है हमको यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी से ओके okay? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब दैट इज स्टिफनेस 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 होता है द लोड रिक्वायर टू कॉज डिफॉर्मेशन ठीक है या फिर कह सकते हैं द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन कोई मटेरियल जितना ही ज्यादा स्टिफ होगा उसको डिफॉर्म करने के लिए हमको उतना ही ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेस इंड्यूस कराना पड़ेगा तब वो जाकर के डिफॉर्म होगा तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल ज्यादा स्टिफ है तो उस केस में जब मैं उसमें ज्यादा लोड लगाऊंगा यानी कि ज्यादा स्ट्रेस उसमें जब इंड्यूस कराऊंगा तब उसमें मुझे कम डिफॉर्मेशन मिलेगा और ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब मटेरियल स्टिफ होता है उस केस में ज्यादा स्ट्रेस मिलता है और कम स्ट्रेन मिलता है यानी कि ये जो ये जो कर्व है ठीक है ये जो वाला जोन है ये हमको स्टीप मिलता है तो ये जो स्लोप है यानी कि जो इलास्टिसिटी है यंग्स मॉडल वो सिग्निफाई करती है किसी मटेरियल के स्टिफनेस के बारे में तो यहां पर हमको यंग्स मॉडल से दो इंफॉर्मेशन मिल जाती है पहला हमको पता चलता है उस मटेरियल की इलास्टिक सिटी के बारे में ठीक है और सेकंड पता चलता है हमको स्टिफनेस के बारे में तो स्टिफनेस पता चलता है हमको ई e से दैट इज यंग्स मॉडल मॉडल तो इसका स्लोप जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल का ई e भी उतना ज्यादा होगा लेटेस्ट से यहां पर जो स्लोप है उसको मैं थीटा बोल देता हूं ये थीटा बोल देता हूं मैं अगर इसको ठीक है, है, ये जो थीटा है, इस जितनी ज़्यादा होगी, 90 degree, if theta is towards 90 degree, तो उस केस में क्या हो रहा है जो है, e, that will be higher. Higher e होगा, अब हायर ई e होगा तो इससे दो हमको मीनिंग पता चल रही है फर्स्ट है उसकी हायर इलास्टिसिटी हायर इलास्टिसिटी और साथ ही साथ क्योंकि ज्यादा है सो हायर स्टिफनेस ये दो चीजें मुझे पता चलती है कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको दिखेगा कि ये जो स्लोप नापा जाता है इस लाइन का वो यहां से भी नापा जाता है ठीक है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दि स्ट्रेस एक्सिस उस केस में ये जो मैंने यहां पर एजम्पन लिया है ये चेंज हो जाएगा थीटा क्योंकि यहां से नापा जा रहा है इस केस में लेटर से मैं यहां पर फाइव लिख देता हूं जो इसका स्लोप है यहां से अगर नापू सो so फाइव इस केस में लिख सकता हूं मैं फाइव टेंडिंग टूअर्ड्स जब जीरो डिग्री होगा उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी हायर होगी ठीक है एंड हायर इलासिस हायर इलास्टिक कॉन्स्टेंट विल बी रिजल्टिंग इन हायर इलास्टिसिटी एंड हायर स्टिफनेस ठीक है तो दोनों चीज़ यहां पर फॉलो करती है बस डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्स्ट बुक यहां पर रिफर कर रहे हो तो यहां से हमको इलास्टिसिटी और स्टिफनेस के बारे में पता चलता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डक्टिलिटी के बारे में तो डक्टिलिटी क्या होता है डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल डिफोर्म्स प्लास्टिकली ठीक है बहुत ज्यादा ही वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है एंड इट गिव लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया अंडर एक्शन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स ये मैंने जो मेरे प्रीवियस वीडियो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे उस उसपे मैंने क्लियर किया हुआ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ठीक है सो डक्टिलिटी so, की जब बात करता हूं मैं डिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं डक्टिलिटी को सो so डक्टिलिटी जो है दैट इज दायर डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जितना हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा हमको डकिलिटी मिलेगा सो हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर एक्शन ऑफ अ टेन्साइल फोर्स अंडर एक्शन ठीक है है रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन देता यानी कि बेसिकली हम उस कंपोनेंट को जो डक्टाइल होगा उसको हम थिन वायर्स में रिड्यूस कर सकते हैं ये भी मैंने वहां पर लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है तो इस डक्टाइल मेटल के जो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है ठीक है वहां पर देख सकते जो पॉइंट सी है दिस इज पॉइंट सी पॉइंट सी होता है आपका अपर पॉइंट अपर ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद मटेरियल की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वो कंप्लीटली प्लास्टिक जोन में चला जाता है ठीक है अब यहां पर जब विल्डिंग स्टार्ट हो गई है तो यहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है ठीक है और ये जो पॉइंट है दिस इज योर अल्टीनेट पॉइंटर से दिस इज डी डी होता है आपका लोअर यील्ड पॉइंट Then e है आपका अल्टीमेट पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस है ना नीमेट पॉइंट e अब में एक बात ध्यान रखनी है कि हमको हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक मिलेगा अंडर एक्शन ऑफ अ टेंसाइल लोड बट ड्यूरिंग दिस टेंोडिंग द मटेरियल मस्ट नॉट फेल सो विदाउट फेलियर विदाउट फेलियर हमको काम करना पड़ेगा मटेरियल जहां फेल नहीं होना चाहिए बेसिकली फेलियर यहां पर होगा फ्रैक्चर सो विदाउट फ्रैक्चर बोल सकता हूं फ्रैक्चर और आई कैन राइट फेलियर फेलियर कब बोलेंगे जैसे कि मुझे शीट्स चाहिए थीन शीट चाहिए या फिर मुझे वायर्स चाहिए जैसे मैं मेलेबिलिटी की बात करता हूं तो वहाँ शीट फॉर्मेशन करेंगे हम लोग सिमिलरली वहाँ पर जब हम लोग डक्टिलिटी की बात करेंगे तो वायर में फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्रैक्स फॉर्म नहीं होने चाहिए या फिर सर्फेस में कहीं पर भी इेगुलरिटी नहीं आनी चाहिए नैकिंग नहीं मिलनी चाहिए तो ये जो केसेस होंगे जब हमको हमारे रिक्वायरमेंट जो कि स्मूद वायर हमको चाहिए अगर वैसा नहीं मिल रहा है तो हम ये मान जाएंगे कि वो जो कंपोनेंट है वो ड्यूरिंग लोड फेल हो चुका है ठीक है सो so विदाउट

यानी कि जहां पर यहां पर आपका स्टार्ट हुई दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहां पर स्टार्ट हुआ एंड ई e, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस बिटवीन सी टू ई रिप्रेजेंट डक्टिलिटी ये गैप जितना ज्यादा लंबा होगा सी यानी कि जहां पर यिल्डिंग स्टार्ट हुई है और ई दैट इज अल्टीमेट पॉइंट जिससे ज्यादा स्ट्रेस और कंपोनेंट नहीं झेल सकता इनके बीच का गैप इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी मटेरियल उतनी ज्यादा डकटिल डक्टाइल होगी ठीक है सो ये है आपका डक्टिलिटी यहां से यहां तक का गैप जो है बेसिकली डक्टिलिटी शो करता है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं अगर मेलेबिलिटी की बात करूं तो मेलेबिलिटी के केस में हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ कंप्रेशन लोड फॉलो करूंगा तो उस केस में जो यील्ड पॉइंट होगा दैट इज अंडर अ कंप्रेसिव लोड उस केस में अपरियल पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट के बीच का जो गैप होगा वो मेलेबिलिटी शो करेगा ये हमको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर डी टू ई क्या है डी टू ई जो है वो बताता है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग ये बताता है स्ट्रेन हार्डनिंग ठीक है ये फिनोमिना हम जानते हैं क्यों होता है डिसलोकेशन के कारण ये चीजें होती हैं डिसलोकेशन उन चीजों को कहते हैं जैसे कि हम मानते हैं हमेशा के मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता बीच बीच में लोकल पॉइंट्स में देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं ठीक है हर यूनिट वॉल्यूम में सेम क्वान्टिटी ऑफ मैटर नहीं होता सेम क्वान्टिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं और ये होता है डिसलोकेशन के कारण यानी कि जिस लोकेशन पे किसी भी मॉलिक्यूल को नहीं होना चाहिए वहां पर मॉलिक्यूल्स आ गया है ठीक है तो इससे क्या होता है जब हम अट्ठे को लोड करते हैं तो ये जो डिसलोकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को एंकर कर लेते हैं आपस में फंसा लेते हैं ठीक है और क्योंकि वहां पर सारे जो मॉलिक्यूल्स है क्लॉक्ड हो चुके हैं फंस चुके हैं दैट्स कंपोनेंट को खींचना मुश्किल हो जाता है ये फिनमिना देखने को मिलता है हम लोग को जनरली

स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं हैं इसके अपोजिट जब हम लोग स्ट्रेस के बढ़ाते-बढ़ाते अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच जाते वहाँ पर हो जाती है। जब, जब लेकिन हमारा स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है ठीक है जबकि हो रहा था स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज रही थी जब स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही थी ठीक है तो यहां पर जो मटेरियल है ई e के बाद वो हो रहा है सॉफ्ट यानी कि अब हमको उसे डिफॉर्म करने के लिए कम स्ट्रेस इंड्यूस करना पड़ रहा है कम लोड लगाना पड़ रहा है तो ई टू एफ एफ इज दैक्चर पॉइंट तो ई टू एफ का जो जोन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग यह है आपका स्ट्रेन सॉफ्टनिंग दिस इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग ठीक है और ई टू एफ को हम लोग नैकिंग के नाम से भी जानते हैं एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर ब्रिटेन के स्ट्रेस एंड डायग्राम के बारे में तो हम जानते हैं ब्रिटर मटेरियल में हमको जो डिफॉर्मेशन होता है ठीक है वो वहां पर सिर्फ दो तरह के डिफॉर्मेशन होंगे हमेशा दैट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और ब्रिटर मेटल में खासियत होती है कि ये हमको बहुत ही कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देता है ठीक है so, सो यहां पर इलास्टिक जोन जो है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्लास्टिक जोन ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो बी है दैट इज इलास्टिक लिमिट एंड सी है जो आपका फ्रैक्चर है सो बी टू सी जो है बी टू सी यहां पर आप देख सकते हैं बी के बाद मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में चला जा रहा है एंड सी पर वो फेल हो जा रहा है मटेरियल में जो की, होते हैं, उनमें हम के दौरान, किसी भी की नहीं कर पाते बट मॉलिकुलर लेवल पे योग हो रही होती है लेकिन फिजिकली हम उसको सरफेस पे उसके ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं ठीक है सो यहां पर बी टू सी जो होगा इसको मैं मटेरियल डक्टिलिटी बोलूंगा दिस बी दी डक्टिलिटी

टफनेस फॉर द ब्रिटल मटेरियल ठीक है एंड इट विल सिग्निफाई इट विल सिग्निफाई दफनेस जितना ज्यादा एरिया होगा मटेरियल की टफनेस उतनी ज्यादा होगी अगर मैं डायरेक्टली टफनेस निकालना चाहता हूं किसी डायग्राम से तो उसके लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर प्लॉट करता हूं क्योंकि जो कि डायरेक्टली एनर्जी बताता है यहां पर ये एनर्जी पर इट वॉल्यूम बता रहा है इट विल बी मॉडल्स ऑफ टफनेस जो कि सिग्निफाई करता है हमारे टफनेस को ठीक है देन बी जो है वो आपकी इलास्टिक लिमिट है सो so अगर बी के एरिया की बात करूं मैं एरिया एरिया ओ ए बी ये वाला एरिया अगर मैं लू ठीक है एरिया ओ ए बी इसके अंदर का एरिया निकाल लू मैं तो यहां पर मुझे मिलेगा मॉडल मॉडलस ऑफ रेजिलियंस तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहां पर शो कर दी है डकटाल मेडल के लिए एज वेल well एज ब्रिटेन मेडल के लिए आई होप ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होगी यहां पर बताना चाहूंगा ये जो टॉपिक हमने आज कवर किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे वो गेट के एग्जाम हो चाहे वो सेमेस्टर के एग्जाम हो चाहे वो आप लोग किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो चीज़ें हैं जो बींग एन इंजीनियर चाहे आप सिविल ब्रांच के हो चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके सो आई होप आज जो मैंने चीज़ें आपको डिलीवर करिए वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी सो आई होप मैंने जो आज आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सभी आपको क्लियर हुए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है आज के टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल करके हमसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर आप हमारा इस ये वीडियो पहली बार देख रहे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू